इस वीडियो के माध्यम से हम आपको आज कक्षा दसवीं की एक कविता है, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला साहब की कविता है। कविता का नाम है उत्साह। इसका विश्लेषण करके बताएंगे। उम्मीद करेंगे कि आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ जाए ताकि आपको परीक्षा में इससे मदद मिले। इस कविता को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे इसमें कुछ जो शब्द हैं, शब्द का इस्तेमाल हुआ है, उसका इधर शब्दार्थ लिखा हुआ है। आप इस पे अगर अच्छे से गौर करेंगे तो कविता समझने में आसानी होगी। तो चलिए अब कविता शुरू करते हैं। बादल गरजो, यह एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला साहब की जो बादल से संबंधित जो कविता है बहुत ही उनकी पसंदीदा विषयों में रही है। तो उन्होंने इससे बादल को आवाहन किया है और उस वो बादल से आवाहन करते हैं और उसी के तरीके से इस कविता को भी पेश किया गया है। तो बादल गरजो, तो यह एक उनका आवाहन है, एक आवाहन है बादल से। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ। यहाँ धराधर का मतलब इसमें लिखा हुआ है, देखिए बादल, तो वो बादल से कहते हैं। घेर घेर घोर गगन मतलब पूरी तरह से घेर कर, गगन मतलब आकाश को घेर कर वो बादल, और वो आवाहन करते हैं। ये जो धराधर ओ जो है, ये जो है संबोधन का मात्रा है। वो जो है संबोधन का मात्रा होता है, जब हम किसी को संबोधित करते हैं तो ओ का इस्तेमाल करते हैं। तो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, संबोधित करते हैं वो बादल को कि पूरी तरह गगन को घेर कर वो बादल। ललित ललित काले घुंघराले, ललित का मतलब होता है सुंदर, इसमें लिखा नहीं है लेकिन ललित का मतलब सुंदर होता है। और ललित ललित काले घुंघराले, ललित का मतलब होता है सुंदर, ललित ललित काले घुंघराले। काले घुंघराले, जब हम बादल को देखेंगे एक बार आकाश में, जब बादल की ओर देखते हैं तो देखिए उसका जो आकार होता है वो घुंघरेले बाल की तरह आपको प्रतीत होगा। वैसा होता नहीं है, वो बाल होता नहीं, बस वो एक प्रतीक का रूप इन्होंने इस यहाँ इस माध्यम से दिया है। काले घुंघराले, वो बाल की जो छाया हमारे मन में है, उस छाया को उन्होंने इस बादल के माध्यम से प्रस्तुत किया है। बाल कल्पना कैसे पाले, और जो हमारे मन में वो कल्पना है, वो पाले का मतलब होता है पालना, वो जो मन में बना हुआ है वो कल्पना जो है, बालों के आकार का जो बादल का जो वो एक बनावट है आकाश में, वो कल्पना जो हमारे मन में है उसको उन्होंने यहाँ पे लिखा है। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, विद्युत छवि, छवि का मतलब होता है आप कह सकते हैं एक हमारे हृदय में जो तस्वीर बनी होती है, अंग्रेजी में उसको आप पोर्ट्रेट कह सकते हैं। विद्युत छवि मतलब बिजली की तरह एक छवि हमारे दिल में जो है। और कवि जो यहाँ पे, जो कवि नवजीवन वाले जो यहाँ पे वो एक संबोधन की जो मात्रा जो बादल से रखते हैं कवि, वो कहते हैं कि जो विद्युत सी छवि है उसको तुम, और उसको तुम जो एक आज आम जो आम जीवन है इस संसार में, आम जीवन है उसको तुम एक नया, एक आशा, एक नया जीवन देने का काम करो उस छवि से, उस जो विद्युत सी छवि तुम वो बादलों से इतनी आकांक्षा रखते हैं। वज्र छिपा नूतन कविता, वज्र छिपा मतलब उनका, वज्र छिपा से कहने का उनका तात्पर्य है कि जो एक वज्र का मतलब यहाँ पे देखिए लिखा है कठोर। वज्र एक बहुत शक्तिशाली चीज का प्रतीक होता है। वज्र जब हम कहते हैं तो वज्र सा कठोर एक हम कहते हैं, तो वो एक बहुत शक्तिशाली चीज का प्रतीक है। तो कहते हैं कि बादलों में एक बहुत जो है वज्र मतलब एक शक्ति छिपी है, और वो कहते हैं कि तुम इस संसार में, इस जो एक निराशावादी संसार हो चुकी है उसमें एक नई चेतना भर दो, वो नई शक्ति भर दो, वो नई जो विद्युत, एक जिसको आप अंग्रेजी में करंट कह सकते हैं, उससे एक संचार भर दो। और फिर वही संबोधन करते हैं, नूतन कविता फिर भर दो, मतलब तुम इस संसार में इन सारे चीज़ों को फिर से भर दो। गरजो बादल गरजो मतलब वो एक आवाहन करते हैं कि ये सारे चीज़ों जो वज्र सी शक्ति, विद्युत सी छवि, जो एक नया जीवन का जो है एक संचार, इन सारे चीज़ों को वो फिर से एक आम मानव में भर देने की जो है वो उम्मीद करते हैं और एक आह्वान करते हैं बादल से, वही उन्होंने यहाँ पे लिखा है। अगली जो पंक्ति है उसमें हम लोग विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विकल मतलब होता है परेशान और उन्मन होता है बेचैनी की स्थिति। तो वो कहते हैं कि विकल विकल उन्मन थे उन्मन मतलब बहुत परेशान परेशान, बहुत ही बेचैनी का जो माहौल है इस संसार में लोगों में। विश्व के निदाद, निदाद का मतलब होता है गर्मी, यहाँ पे ध्यान दीजिए, निदाद का मतलब होता है गर्मी। विश्व के निदाद के सकल जन, सकल का मतलब होता है सब और जन का मतलब होता है लोग। तो वो कहते हैं कि विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाद के सकल जन मतलब बहुत परेशान बेचैनी की स्थिति में जो विश्व के जो तमाम जो लोग हैं, ये जो गर्मी में हैं,
आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। कवि कहते हैं कि अज्ञात दिशा मतलब उन सारे दिशाओं से, मतलब अनजाने दिशाओं कह दें या फिर सारे दिशाओं से वो जो है कहते हैं बादल घेर लेते हैं। और कहते आगे कहते हैं कवि तृप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, मीन्स वो कहते हैं जो गर्मी से जो जो धरती तप रही है, तृप्त धरा जो कहते हैं जो गर्मी से धरती तप रही है, लोग परेशान हैं बेचैन हैं, उस धरती को लिखते हैं जल से फिर शीतल कर दो। तुम अपने जल से, वो बादल को आह्वान करते हैं कि तुम अपने जल से इस पृथ्वी को, इस तृप्त धरा तपती हुई धरती को फिर से शीतल कर दो। और वही आह्वान फिर से बादल गरजो, और जो है इस अंत में फिर वही कहते हैं कि जो इस धरती में जो गर्मी है, जो लोग परेशान हैं, जो लोग बेचैन हैं, और एक जो है जो बेचैनी की जो स्थिति है लोगों में, उसको तुम अपने जल से पूरी तरह शीतल कर दो, गरजो बादल गरजो। और ये दोनों जो जो यहाँ पे कविता का जो दो यहाँ पे पैराग्राफ है, इस दोनों ही छंदों के माध्यम से कवि कहते हैं कि वो सिर्फ ये जो है प्राकृतिक जो आह्वान नहीं करते हैं, बल्कि इसमें एक छिपा हुआ वो क्रांति का जो है विचार रखते हैं, जिससे वो बादल से एक अपेक्षा करते हैं कि जो निराश जीवन है मनुष्य का इस धरती पर, इस समाज का, उसमें एक नया जो है ऊर्जा का संचार करो, एक नया जो है उम्मीद का संचार करो, और बादल